जब आपके पास इस तरह के छोटे छोटे गाजर हो तो आप सोचेंगे कि इस तरह का गाजर को हम क्या करें, कैसे इसका हलवा बनाएं, इसे तो घिसना बहुत ही मुश्किल है। पर आप आसान से तरीका से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप गाजर का हलवा बिना घी से बना सकते हैं। देखिए कितना छोटा छोटा गाजर है। इस तरह के छोटे छोटे गाजर को घसना बहुत मुश्किल है। इस तरह के गाजर आप घस नहीं पाएंगे, कद्दूकस नहीं कर पाएंगे। तो इसे हलवा अगर बनाना हो, आपके पास ढेर सारा इस तरह का गाजर पड़ा हुआ बहुत दिनों से, तो आप इसे कैसे हलवा बनाएं, यही सब मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। इसे आप ज़रूर देखें। हम गाजर को अच्छे से छील लिए हैं, ऊपर का जो छिलका है इसे हम छील के और दोनों तरफ से हम काट दिए हैं और इसे हम साफ पानी से धो लिए हैं, धो के रख लिए हैं। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। एक बर्तन लेंगे, इस बर्तन में हम इस तरह से गाजर को डाल देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं, पर मैं इसमें इसी तरह से डाल दे रही हूँ। तरह से सारे गाजर को हम इस कटोरा में डाल दिए हैं। अब इसमें हम दो इलायची इस तरह से मुंह खोल के और ऐसे डाल देंगे। इसमें हम आधा कप दूध डाल देंगे इस तरह से। अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें एक कप पानी डाल देंगे। एक जो गाजर वाला बर्तन है सो हम इस कुकर में डाल देंगे इस तरह से। कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। कुकर को गैस पे रख दिए हैं पकने के लिए। हम 5 मिनट तेज आँच पे पका लेंगे। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हम कुकर को गैस पे रख के गाजर को हम पका लिए हैं। अब इसमें प्रेशर पकड़ लिया है। अब इसे हम धीमी आंच पे 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं। धीमी आंच करने से गाजर अच्छे से पक जाएगा। गैस का आंच हम बिल्कुल लो कर दिए हैं और लो आंच पे हम गाजर को पका लेंगे। धीमी आंच पर गाजर को 4 सीटी आने तक हम पका लिए हैं। गाजर की बहुत अच्छी खुशबू, तो खुशबू से ही पता चल रहा है कि गाजर अच्छे से पक गया है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और कुकर को गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब हम कुकर को गैस से नीचे उतार लिए हैं। कुकर को हम ठंडा होने देते हैं। जब कुकर का प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोल के देख लेंगे। कुकर का प्रेशर निकल गया है और ठंडा हो गया है। अब हम कुकर को खोल लेते हैं। देखिए अगर आप इसे तेज आंच पे सीटी दिलवाएंगे तो जो हम दूध डाले हैं सो ऊपर सब फेंक देगा, इसीलिए हम धीमी आंच पे सीटी दिलवाते हैं। धीमी आंच पे दिलाने से अच्छे से गाजर पक। आपको हम एक गाजर लेके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा गाजर पक गया है। तो हम इस कटोरी को निकाल लेते हैं इस प्रकार से पकड़ के। इस तरह से हम निकाल लेंगे। हलवा बनाने के लिए हम दूध ले लिए हैं गाढ़ा करके। 1 kg दूध को गाढ़ा करके हम इतना ले लिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं और चीनी ले लिए हैं। चलते हैं हलवा बना लेते हैं। कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है। गैस का आँच हम धीमा कर देंगे। इसमें हम मक्खन डाल देंगे। आपके पास जो है घी है, घी में बनाए, मेरे पास मक्खन था तो हम मक्खन डाल देते हैं। मक्खन से बना लेंगे हलवा। गाजर डाल देंगे। सारे गाजर को इसी तरह से हम डाल लेंगे। अभी गाजर को हम डाल देंगे। हम गैस का आँच तेज कर लेंगे। तेज आँच पे इस प्रकार से गाजर को हम मैश लेंगे। मैश भी लेंगे और गाजर को भून भी लेंगे तेज आँच पे। घी में हम गाजर को इस तरह से भूनते रहेंगे और इस तरह से जो गाजर हमको दिखेगा उसे इस तरह से हम मैश लेंगे दबा के। एक बार दबाएंगे गाजर अच्छे से, देखिए चटनी जैसा बन जाएगा। इस प्रकार से हम गाजर को मैश लेंगे, सारे गाजर को। गाजर को हम अच्छी तरह से मैश लिए हैं। अब हम इसे भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। गाजर को अच्छे से हम भून लेंगे, इसमें कच्चापन का स्वाद न रहे, सौंधा सौंधा इसमें स्वाद आ जाए, इसीलिए हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये गाजर में पानी है, उसको सुखाते हुए हम इसे अच्छी तरह से का रंग हल्का बदलने तक हम भून लेंगे। गाजर का पानी सूखने तक इसे हम धीमी आंच पे 5 मिनट भून लिए हैं। देखिए गाजर का पूरा पानी सूख गया है और घी अलग होने लगा है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। ये घी अलग हो रहा है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। दूध डाल के मिला लेंगे। अब इसे हम तेज आंच पे पकाएंगे, क्योंकि गाजर को भी हम भून लिए हैं और गाजर पका हुआ है, बस दूध को सुखाना है। अब हम साथ में ही जो मेरे पास चीनी है और जो ड्राई फ्रूट है सभी को हम एक साथ डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। आप जितना मीठा खाते हैं उतना चीनी डालें और आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद है, सूखे मेवे पसंद है, उसे आप इसमें डाल लें
और इस प्रकार से छोटे छोटे गाजरों से आप इस तरह से आसानी से बहुत ही जल्दी इन आसान से तरीकों से हलवा बना सकते हैं। दूध को सुखा के हम ड्राई कर देंगे, बस हलवा बन के तैयार है। जो भी हलवा में दूध है उसे हम सुखा लेंगे। गाजर का पूरा दूध हम सुखा के अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे, घी डाल के हम मिला लेंगे इस तरह से। ऊपर से जो घी डालेंगे उसका स्वाद कुछ और ही बढ़ जाता है, ऊपर से डाला हुआ घी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हलवा बन के तैयार है। तो आज के बाद से आप भी इन छोटे छोटे गाजरों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस प्रकार से आप हलवा बना के और खुद खाएंगे और अपने बच्चों को भी देंगे खाने के लिए। तो इस प्रकार से आप हलवा एक बार आप ज़रूर बनाएं। अब हम गैस बंद कर देते हैं, हलवा को नीचे उतार के रख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा गाजर का हलवा बना हुआ है, ये देखिए। इस तरह से आप भी गाजर का हलवा बनाएं। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।